नमस्कार दर्शकों, चैनल वन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल खत्री। आज हम आए हैं वुमेन्स परेड कॉलेज में। जी हाँ, वुमेन्स परेड कॉलेज में इस बात की चर्चा करने कि आने वाले इलेक्शंस में यहाँ की यूथ, जो कि कल का भविष्य है, यहाँ के वोटर्स, जो यूथ होती है आजकल इतनी समझदार है, उसे पता है कि वोट किसको डालना है। क्योंकि आजकल यूथ गुमराह नहीं होती, जैसे नेता लोग पहले आते थे, बोलते थे आपकी नौकरियां लगा देंगे, आपके काम काज सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज की यूथ जो है, जो वोटर है, काफ़ी समझदार है। आइए परेड कॉलेज की जो गर्ल्स हैं उनसे जानते हैं कि आने वाले टाइम पे वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं सेंटर में, या जम्मू कश्मीर में उसे कौन कौन से नुमाइंदे जो खड़े हैं इस समय जम्मू कश्मीर की बात करो तो उनमें से कौन से जीतने चाहते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको, और हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हैं वुमेन्स परेड कॉलेज की लड़कियां हैं। ये भी आने वाले टाइम पे जो इलेक्शंस आ रही हैं उसमें वोट डालेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि बीते पाँच सालों में जो पिछली सरकार की उसने क्या कामकाज किए, और इससे पहले जब किसी सरकार ने राज किया काफ़ी सालों तक, उन्होंने क्या कामकाज किए। क्या नाम है मैम आपका? लास्ट पाँच ईयर्स जो गए हैं, पिछले पाँच साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही है सेंटर में, और जम्मू की अगर बात करो, जम्मू में भी बीजेपी पीडीपी कोलैबोरेट होकर उन्होंने काम किया है। आपको क्या लगता है पिछले पाँच सालों में बीजेपी जो सेंटर में रही है, उन्होंने काम जो है उस तरीके से किए जिस तरीके से लोग रहते हैं? बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट, पिछली जो पहले की गवर्नमेंट थी, उससे मेरे हिसाब से एज अ व्यू, जब मैं बचपन से अभी तक देखती हूँ गवर्नमेंट कैसी हो रही है, तो मेरे हिसाब से दिस गवर्नमेंट इज लिटिल बिट बेटर देन द लास्ट वन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में, जैसे हम देखेंगे कि पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर जो इन्होंने एक्शन लिया था, दैट इज़ सो मच ब्रेव एक्शन। मुझे नहीं लगता कि अगर इससे पहले कोई ऐसा स्टेप उठाया गया था, अगर वो वाला स्टेप देखें तो उससे तो लगता है कि या दिस पार्टी इज। और अगर हम देखेंगे ग्लोबली, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिया का एक नया आउटलुक निकल के आता है हमारी कंट्रीज में, इंटरनेशनल रिलेशंस हो हर एक कंट्री के साथ, इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट। और बहुत मतलब कि हाँ, हर एक चीज़ में बेटरमेंट का तो होता ही है। मतलब अगर आप बोलोगे कि हाँ बेटरमेंट तो हमेशा होता है, तो बहुत सारे ऐसे थे, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आप बोलोगे, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था लोगों को। जैसे कि आप देखोगे लोग लाइन में खड़े रहते थे, और बहुत सारे घोटाले भी हुए थे इनफैक्ट इसमें, हम बोलेंगे कि बैंक से कितना फ्रॉड भी किया था। तो या कुछ मतलब कि प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, तो क्या नाम है मैम? आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर, आने वाले दिनों में आप किसकी सरकार देखना पसंद करोगे सेंटर? सो अकॉर्डिंग टू मी, मोदी जी की सरकार ज़्यादा बेटर है, बिकॉज पीछे जितनी भी सरकारें आई हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारी मतलब इंडिया में इतना डेवलपिंग कोई भी प्रोसेस जो है वो इतना डेवलपिंग रहा है। अभी जैसे हमारे अगर जम्मू की बात करें, फ्लाई ओवर जो बन रहा है, रिंग रोड जो बन रहा है, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से हो पा रहा है, जबकि पिछली सरकारों ने सिर्फ हामी भरी है, लेकिन ये काम यहाँ पे उनकी मतलब उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि जितने भी यूथ हैं उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं दिया है, जो कुछ भी किया है, मतलब ज़्यादा जो प्रोसेस हुई है हमारे इंडिया में, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हुई है। तो मेरा सपोर्ट सिर्फ मोदी जी का। हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक व्यवस्था है, सभी धर्म एक साथ मिल के चलते हैं, तो कुछ लोगों की वजह से हम किसी भी कम्युनिटी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। हमारे पास कुछ और बच्चे हैं, आइए जानते हैं क्या सोचते हैं वो, क्या विचार है उनका आने वाले इलेक्शंस को लेके, क्या सोचते हैं। क्या नाम है आप, क्या सोचते हो आपकी आने वाले टाइम पे आप किसकी सरकार देखना पसंद करोगे? मैं तो बीजेपी की सरकार देखना ही पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 6-5 सालों में इतना काम किया है, क्योंकि जो कांग्रेस की जो पार्टी है वो 1885 से इस्टेब्लिश हुई थी, और अभी तक जो है वो हम बोलेंगे कि रूल कर रही थी यहाँ पर इंडिया में, लेकिन उन्होंने इतना काम भी किया है, इतनी अचीवमेंट हाथ में नहीं हुई है, चाहे वो मनमोहन सिंह के अंडर हो या फिर कोई और हम पुराने लीडर्स देख लें। और आप जैसे कि आप खुद देख लें कि आज जो यूथ है वो कितना अवेयर है कि किसको वोट डालना है, कितना कुछ। मैं तो बोलूँगी कि पर्सनली अगर बोलूँ तो मैंने फ़र्स्ट टाइम, मुझे भी 2 साल हो गए इस कॉलेज में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है मैं देख रही हूँ कि कितना ज़्यादा जो है बड़े लेवल पर जो है इलेक्शंस को लेकर कितना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो मतलब मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं जो है मैं भी चाहती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट भी करूँ, वोट भी करूँ, और बीजेपी का। देखिए हमारे साथ इतने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार इनको एक पैंट में दिखाया जाए, ये वोटर्स हैं, ये कल का भविष्य हैं। इन सभी से मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 26/11 हमला हुआ,
क्या उस टाइम पे भी इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जिस तरह उड़ी स्ट्राइक हुई, जिस तरह एयर स्ट्राइक हुई? कौन जवाब देना चाहेगा इसका? आप लोग चलाइए, चलते हैं इनसे पूछते हैं कि देखिए 26/11 का अटैक हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद भी सिर्फ बातें बोलती रही, करें ये कुछ हुआ नहीं, आपको लगता है इसी तरह के जवाब की जरूरत तब भी थी? बिल्कुल जरूरत थी जवाब की, क्योंकि दुश्मन तब तक नहीं मानता है जब तक उनको जवाब ना दिया जाए। अगर वो रेगुलरली मतलब हम पे गौर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट कितनी मतलब एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, तो जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो जवाब देना पड़ता है। बट जबकि उनकी सरकार थी तो तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट थैंक्स टू मोदी जी जिन्होंने हमारी आर्मी को इतनी छूट दी कि वो खुद अपने डिसीजन ले सके और घर में घुस के मार रहे। तो यही बात है, ये आज की पीढ़ी है, ये आज के युवा है, ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और घर में घुस के मारेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि और आने वाले टाइम में देखिए, मैं क्यों बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि वोटर्स आजकल के बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि कौन सी सरकार काम करवा रही है और कौन सी सरकार सिर्फ वादे कर रही है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में जो हुआ, PDP और BJP का कोलैबोरेशन हुआ, सेंटर में BJP सरकार रही, क्या ड्रॉबैक्स रहे जम्मू कश्मीर में और BJP सरकार के सेंटर में क्या ड्रॉबैक्स रहे जो आपको लगता नहीं, हाँ ये चीज़ें इससे बेटर तरीके से हो सकती थी? तो देखा जाए सेंटर में अगर BJP की गवर्नमेंट की, इट इज़ सो गुड। अगर आप J&K की बात करें, कोरिलेशन बिटवीन द BJP एंड PDP, ये बहुत बहुत अफेक्ट किया हमारे J&K को। कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो ऐसा डिसीजन था हमारी गवर्नमेंट का कि कोई भी मतलब कि एक साइड होता था, दूसरे साइड होते थे, एज अ रिजल्ट नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। तो इससे क्या हुआ, हमेशा इसकी वजह से हमारे J&K के लोगों को अफेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि अगर आप पत्थरबाजी की बात करें तो पत्थरबाजी हो रही थी जब कोलिशन गवर्नमेंट की थी, BJP वाले बोल रहे थे कि हाँ जी सोल्जर्स को फ्री हैंड दे दो, लेकिन महबूबा जी की जो सरकार थी वो बोल रहे थे कि नहीं बच्चे हैं ये हैं वो। बट मेरे हिसाब से वो दोनों गवर्नमेंट की वजह से हमारे J&K को इतना लॉस करना पड़ता है। हमको एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक देखा है, हमारा J&K जो है बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट। सो सैड अबाउट इट कि यूथ जो है इतना अनअवेयर है। तो मेरा जितना भी J&K का यूथ है श्रीनगर में कहीं पे भी, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारी J&K को आगे ले जाएं, ना कि पत्थरबाजी करके इसको लोगों को, मतलब कि लोग ऐसा सोच रहे हैं J&K को, हाँ जी वहाँ पे कोई भी अगर बाहर का होगा हम उनसे बात करेंगे, अच्छा J&K में रहते हो, आपने मिलिटेंट देखे हैं, मतलब व्हाट इज दिस, हम J&K में रहते हैं, हमने मिलिटेंट देखे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जागो और अपनी ऐसी सरकार चुनो कि जो आपकी जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल करें, ना कि पत्थरबाजी करके अपनी नीड्स को फुलफिल करें। शरीर लेके चलते हैं, बाकी ये बच्चों से बात कर रहे हैं और जानते हैं उनके क्या विचार है इसको लेके। जम्मू एंड कश्मीर में जितना भी यूथ है ना, वो नहीं चाहता है, उनको वो अवेयर ही नहीं, बिकॉज ऑफ रिसेंटली उन्होंने एंटरप्रेन्योर के लिए इतना पैसा अलॉट किया हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं बच्चों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी मोदी जी ने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारा किया है, हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चों जो है वो ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2015 से जो है BJP सरकार आई, तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो कि कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ बेसिकली ये बोलना है कि हमें मोदी ही चाहिए, बिकॉज उसने जितनी जो चीज़ें उसने की है कांग्रेस के, उसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। और जो उसमें जो लीडर्स हैं वो यहाँ रह के भी ऐसी बातें करते हैं जिससे कि जो दूसरी कंट्रीज जो चाहती है, वो जो नहीं चाहती कि हमारी कंट्री डेवलप हो, वो उनका सपोर्ट करती है यहाँ पर रह के, यहाँ की सोसाइटी को डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं। और मेन ये है कि जो BJP सरकार ने जो भी किया वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अव्वल दर्जे पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये प्रॉमिस करके आती है कि हम लोग काम करेंगे, हाँ वो लोग बहुत मतलब डीप जाके काम नहीं कर सकते हैं, अगर तो वो इतना करें कि पब्लिक का फ़ायदा भी ना उठाएं, अगर वो उनको कुछ मतलब फ़ायदा नहीं दे सकते हैं तो उनको नुकसान भी ना करें, उनको अगर ज़्यादा हद तक फ़ायदा नहीं दे सकते तो ज़्यादा हद तक नुकसान भी ना करें। और जैसे कि हमारी J&K गवर्नमेंट को ही हम लेते हैं, तो
जैसे कि PDP और BJP के बीच में रहता है कि जो मतलब यहाँ के सपोर्टर्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हिमानी ने भी पहले बोला कि अगर कश्मीर में मतलब PDP को वो ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, तो महबूबा मुफ्ती जी को ये करने के बजाय कि वो बच्चे हैं या कुछ भी, उन बच्चों को समझाना चाहिए, मतलब अगर वो लोग नहीं समझते तो कुछ इस तरह के यू नो जैसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं या कुछ भी इस तरह के काम करने चाहिए छोटे छोटे, कि उन बच्चों को समझाया जाए कि ये चीज़ गलत है और ये सही है, ना कि ये बोला जाए कि नहीं वो बच्चे हैं यहाँ पे बंदूक नहीं उठानी चाहिए या कुछ भी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कोई भी सरकार आए वो इतना काम करे कि अगर उनको फ़ायदा नहीं दे सकती तो नुकसान भी ना दे, अगर वो उनको समझा नहीं सकते तो उनको बताए। सो कुछ और बच्चे हैं और आई जानते हैं उनकी क्या राय है आने वाले इलेक्शंस को लेके और बीते हुए टाइम पे जो टाइम सरकार ने गुजारा है वो कैसा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाजी चौधरी है। क्या कहोगी पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, क्या आपको लगता है उन्होंने जिस तरीके से कामकाज होने चाहिए उसी तरीके से निभाए? नॉट एट ऑल सर, कुछ भी नहीं, मतलब कि इवन आप डेवलपमेंट के काम बोलो या कुछ भी बोलो वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने मैनिफेस्टो में जो दिया हुआ होता है, जो आपका पैम्फलेट होता है जिसमें बोला गया होता है कि हम ये प्रोमिसज जो हैं वो पूरे करेंगे, तो J&K में BJP ने ये अपना बोला था कि हम 370 को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ तक कि 35A का भी अभी कोई सोल्यूशन नहीं आया है, तो 370 तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये उन्होंने कहा था हमें एक चांस दो, हमें एक चांस दो, उस चांस में वो टोटली फेलियर निकले हैं, तो हम किस वजह से उनको नेक्स्ट टाइम वोट देने की, मतलब हम सोचेंगे भी कैसे, क्योंकि वो जो उन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे 370 को हटाएंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब ख़त्म करने का मतलब ट्राई ही करेंगे, और मैं यहाँ पर खुद एक मतलब GMC का मैंने फॉर्म फिल किया था 2017 में, और अभी तक उसका कोई भी पता नहीं है, मतलब स्टेट लेवल पे तो कोई एम्प्लॉयमेंट का नाम ही नहीं है। अगर आपको कम्पीट करना है तो यू हैव टू कम्पीट इन द सेंट्रल लेवल, यू हैव टू कम्पीट इन द सेंट्रल लेवल। देखिए अभी अभी की बात करो तो अभी नौकरियां बैंक में भी निकली हैं, गवर्नमेंट जॉब भी ओपन है। आपको लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन के आने से पहले ये बड़े लुभावने चीज़ें हैं जो इतने सालों से नहीं हुई, लेकिन अब इलेक्शन आने वाले कोई नौकरी बाहर निकली? एग्जैक्टली सर, पिछले 4 सालों में कोई जॉब का कोई नामो निशान नहीं था, और एकदम से इतना हो गया कि 2500 PO की आ गई, क्लर्क्स की जॉब्स आ गई, और वो भी एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। तो ये सामने दिख रहा है कि ये एक जो है ये मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनकी तरफ वोट्स हो जाएं। अब जैसे स्ट्राइक्स की बात करी कि हमने स्ट्राइक किया, कोई भी प्रूफ नहीं है कि कोई कैजुअलिटी कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट उधर घूम के आ गए हैं एकदम, अब मतलब कि कोई प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान इस चीज़ को मान भी नहीं रहा कि यहाँ पे कोई स्ट्राइक हुई भी है। 70 ईयर्स में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो मोदी जी ने 4.5 सालों में करके दिखाया, और ही इज़ अ ग्रेट PM, और वो राइट पर्सन है फॉर द राइट जॉब, और उन्होंने आर्मी को पूरी डिफेंस सर्विसेज को पूरी पावर्स दी, मतलब वो सब कुछ उन्होंने पावर्स दी उनको, उन्होंने फार्मर्स के लिए, गरीबों के लिए, यूथ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और जो माहौल मतलब 70 सालों में कांग्रेस ने इतना बिगाड़ा हुआ है तो उसको अब ठीक करने में टाइम तो लगेगा ही, और तो 4.5 सालों में मोदी जी ने इतना कुछ करके दिखाया है, तो आगे भी वो ज़रूर करेंगे, और हम तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि जो 70 सालों में जो कुछ हालात जो बिगड़े हैं या बिगड़े हैं, जैसे भी हालात थे, एक जादू की छड़ी से 4-4.5 साल में ठीक नहीं किए जा सकते। जी मैं इनको याद करवा दूँ, थोड़ा मैं कहूँगा इधर देखें, उन्होंने कहा था कि अगर 3500 से या 370 से छेड़छाड़ अगर की गई तो यहाँ की यूथ के हाथ में तिरंगा नहीं कुछ और होगा। शायद मैं आपको याद करवा दूँ, उन्होंने यही कहा था कि यहाँ की यूथ के हाथ में फिर झंडा जो होगा वो तिरंगा नहीं होगा तो शायद कुछ और होगा। आप कितना सहमत रखते हैं इस बात में? बचकानी सी बात है, क्यों झंडा क्यों नहीं होता, हम इंडियंस हैं, वी प्राउड फॉर दैट, हमें चाहिए आर्टिकल 370 हटा दो, हमें नेशन के साथ जुड़ना है, क्यों हमें अलग करके रखा है, और अगर बोले क्राइम रेट बढ़े क्यों बढ़ेगा, हमारी फोर्सेज है, इवन हम अभी यूथ हैं, हम क्यों बढ़ाएंगे क्राइम रेट, हमें भी आता अपनी प्रोटेक्शन करना, बोलते हैं वुमेन जाना, वुमेन आर स्ट्रॉन्ग, आज के नेशन में आज के टाइम पर कौन यूथ कमजोर है, कोई नहीं है, एवरीबॉडी हैव देयर ओन राइट्स ओन ड्यूटीज, उनको पता है क्या करना क्या नहीं करना है, तो आई बिलीव कि हटना चाहिए और हमें नेशन के साथ जोड़ दो, ये अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के प्लीज हमें मत दो, हम इंडियंस हैं, हमें इंडियंस ही रहना। तो इन्होंने बड़ा सरल भाषा में कहा कि आजकल नारी भी कुछ कम नहीं है, नारी शक्ति जो है, और सबसे बड़ी बात हमें नेशन के साथ जोड़ दो, हम अपनी रक्षा जो है वो खुद कर सकते हैं। इतने सालों से 370 और 35A को लेके भी
ہمیشہ سے لڑائی جھگڑے بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, تو اس کو توڑنے کے بعد یہاں کا روزگار بھی بڑھے گا اور کہیں نہ کہیں مسئلے حل ہوں گے. ایک جاتے جاتے ایک آخری سوال پوچھ کے جاتے ہیں ہمارے رائٹ میں, کافی دیر سے شاید وہ انتظار کر رہی ہوں گی کیمرے اور مائک کا, تو میں چاہوں گا کہ پہلے کیمرہ ان کو فوکس کریں اس کے بعد مائک فوکس کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ سنیہا گپتا. سنیہا گپتا جی, کیا وچار ہیں آپ کے آنے والے الیکشنس کو لے کے, پچھلے 70 سال کے کانگریس کے راج کو لے کے اور جو 5 سال بی جے پی کا راج رہا, کیا ہے آپ کی سوچ اور وچار دھارا؟ سر میں خود ایک مہیلا ہوں تو میں ایک مہیلا کے پوائنٹ آف ویو سے بولوں گی. پچھلی سرکار جو گئی ہے وہاں تک ہم نے دیکھا ہے کافی حد تک جو مہیلا تھی ان کو ویلیو نہیں ملی ہے کسی بھی سیکٹر میں. جب سے یہ 5 سال کی سرکار مودی جی کی سرکار آئی ہے تو میں بولنا چاہوں گی کہ ہم ویومنس کو بھی کافی حد تک ہر سیکٹر میں ویلیو ملی ہے, چاہے وہ امپلائمنٹ کا ہو, چاہے وہ پالیٹکس کا ہو, کسی بھی سیکٹر کی بات کی جائے ہمیں ویومنس کو بہت ساری ویلیو ملی ہے. تو میں اسی یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو جو اس بار ووٹ دینے جا رہے ہیں, کیا سوچ کے جائیں, کسی پارٹی کو دیکھ کے جائیں یا کسی کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے جائیں جو ڈیزرو کرے؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی یوتھ کو, ہماری یوتھ کو, کہ جو بھی جہاں بھی ووٹ کریں سوچ سمجھ کے کریں, ایسا ووٹ دیں جو کہ آپ کے حق میں ہو اور آگے جا کے ہمارے نیشن کو آگے لے کے جائیں. تو یہ تھے وومن اسکالر پیج کے بچے, انہوں نے کہا کہ آپ آنے والے جو سرکار ہے وہ کس کی آئے گی, انہوں نے اپنے اپنی وچار دھارا بتائی. کچھ نے کہا کہ بی جے پی نے پچھلے 5 سالوں میں کافی اچھا کام کیا, کچھ نے کہا کہ بی جے پی نے اس لیول پر کام نہیں کر پائے جتنی ایکسپیکٹیشن تھی یا جتنے وعدے وہ کیا کرتے تھے. تو آپ اسی طرح چینل ون کے ساتھ جڑے رہیے, مجھے دیجیے مکیش کے ساتھ اجازت. آپ کے بھی کوئی ویوز, آپ کی بھی کوئی, اگر آپ کے کوئی پرابلمس ہیں آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت مکیش کے ساتھ, راہل کھتری چینل ون کے لیے. For advertisements in Channel 1, please contact on 700-644-869.